फिरोजाबाद में विशाखापट्टनम से मेरठ जा रहे सरिया ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट करने वाले बदमाशों को एसओजी टीम व फरिया पुलिस के सहयोग से महज 12 घंटे में कुल 14 बदमाशों में से 8 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 6 बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को सामने घटना का पूरा खुलासा किया। आपको बता दें, विशाखापट्टनम से मेरठ जा रही सरिया ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने महज एसओजी तिवारी के तिवारी की टीम ने फरिया पुलिस के सहयोग से 12 घंटे में कुल 14 बदमाशों में से 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने मीडिया के सामने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि दिनांक 13 की रात्रि को बोलेरो गाड़ी सवार 14 बदमाशों ने सरिया ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर लूट करने वाले बदमाशों को मुखबिर की सूचना के आधार पर महज 12 घंटे के अंदर एटा जिले में सरिया बेचते समय की घेराबंदी कर गिरफ्तार करते हुए कुल 14 बदमाशों को फिरोजाबाद एसओजी तिवारी के तिवारी की टीम व फरिया पुलिस के सहयोग से 12 घंटे के अंदर 42 टन सरिया के साथ ट्रॉलर तमंचे व लूट में रोकी गई बोलेरो गाड़ी को गिरफ्तार किया है। वहीं 6 बदमाश मौके से फरार बताए जा रहे हैं। देखिए, फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। क्या बरामदगी हुई है और कितने लोग गिरफ्तार हैं? ये देखिए, बहुत सनसनीखेज तरीके से जो रात बीती है, इससे पहले वाली रात में ये गुड्डू अपना ट्रक लेके आ रहा था विशाखापट्टनम से, 38 टन सरिया लाद के भारतीय स्टील की ले जा रहा था मेरठ सिरसा सिकोहाबाद में। ये लोग उसको ओवरटेक करके गाड़ी लगा करके उसको दबोच लेते हैं गाड़ी में और ट्रक को लेकर चल देते हैं। ये गाड़ी इनकी बोलेरो थी, एक गाड़ी इनके पास जाइलो थी। कुल 14 लोग थे ये लोग आपस में, जिसमें 3 हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, 5 भी सूचना मिली है कि वो फिलगुआ में गिरफ्तार हो गए हैं जो जाइलो से इनको बैकअप दे रहे थे, और हमने बरामद कर ली है बोलेरो। फिर ये गाड़ी लेके चलते हैं और हमको इसको ले जाके बांध के डाल देते हैं ये गाँव में, और ये बंध जाता है तो बता नहीं पाता है। इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है, तो कल 4 बजे दिन में जैसे किसी निकल के आता है बताता है, सूचना मिलती है, हमारी पूरी टीम इकट्ठे पहुँचती है, हमारे SPRA CO और SO और SOG की टीम, हम लोग जो है 4 बजे की इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, रात में 1 बजे तक हम लोग इसको पूरी माल 38 टन सरिया, 21 टक्के का ट्रक और उनकी बोलेरो पूरा बरामद कर लेते हैं। 3 मुलजिम हैं आपके सामने, अनिल, अतेंद्र और रवीश कुमार। बाकी इसमें अभी ये जो फरार हैं, 5 और गिरफ्तार हो गए हैं युवा एटा में, 6 अभी जो है फरार हैं, उनको हम लोग जल्दी आपराधिक इतिहास इन लोगों का 12 मुकदमे हैं इसके ऊपर। बिलवा से HS है, वहाँ का जिला बदर है, वहाँ से भरपूर इतिहास है इनका, 7 अपराधी हैं। बहुत सफलतम कार्रवाई 7 घंटे में हमारी पुलिस टीम ने अंजाम दिया है। 55 लाख की रिकवरी है टोटल गाड़ी को बोलेरो को मिला करके, सरिया को मिला करके।